आज से हम प्रैक्टिस सेट टू की डाटा एंट्री करेंगे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट वन की डाटा एंट्री की थी, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार एक एनलिस्टेड फर्म अपने डाटा एंट्री करती है और किस प्रकार वो अपने फाइनल अकाउंट है वो तैयार करती है। तो हमने डे बाई डे के ट्रांजेक्शन देखे थे और वो किए भी थे, उसमें मैंने सब चीज़ें डिटेल वाइज दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ वो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, वो अप्रैल से अवेलेबल है, यानी कि आपको फर्स्ट वीडियो अप्रैल का मिलेगा, फिर मई जून जुलाई इस प्रकार से चलता रहेगा और आपका मार्च तक 31 मार्च तक का मिलेगा। ठीक है, अभी अपना प्रैक्टिस सेट टू स्टार्ट है, उसको हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे एंड तक चलेगा, मार्च तक। ठीक है, तो पहले एंट्री क्या कहती है, मिस्टर श्री स्टार्टेड फर्म बिजनेस ऑफ सेल्स एंड सर्विस ब्रिंगिंग ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ आरएस 30,000, शॉप बिल्डिंग ऑफ आरएस 7 लाख, फर्नीचर ऑफ आरएस 45,000 एंड केस ऑफ आरएस 1.5 लाख। अब देखो, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ इनके पास पहले से ही अवेलेबल चीज़ है वो यहाँ पर दिखा रखी है कि उनके पास पहले से ही कंप्यूटर था जिसकी आज की डेट पर मूल्य कितनी है 30,000 है, यानी कि आज जो करंट डेट है, आज से जो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी वैल्यू कितनी है 30,000 है। शॉप है, शॉप की बिल्डिंग है, यानी कि वो शॉप स्टार्ट करा तो उसकी बिल्डिंग है तो उसका अभी वर्तमान मूल्य है वो 7 लाख है। फर्नीचर लेके आ रहा तो उसका वर्तमान मूल्य है वो 45,000 है। केस लेके आया तो उसका वर्तमान मूल्य है वो 1,50,000। या फिर ये इन्होंने अभी अभी नया खरीदा है या फिर ये पहले है, पहले से इनके पास अवेलेबल था लेके आ रहा है, वो हमें कोई मतलब नहीं है। या तो मान लो कि अभी खरीदा है तब तो कोई मसला ही नहीं है, अगर पहले से इनके पास अवेलेबल है लेकिन आज स्टार्ट करा तो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू डिसाइड होगी, यानी कि आज इसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है। वही लास्ट वाला फंडा था कि हमने जो मार्च में वैल्यू डिसाइड की थी उसी प्रकार इसकी वैल्यू डिसाइड होगी अगर पुराना है उस कंडीशन में, अगर नया है तो उसकी कॉस्ट रेट है जो रेट हमें पड़ी है वही हम लेंगे। तो पहले एंट्री करते हैं, तो अपनी टेली में चलेंगे, अपनी टेली को स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये अपना लास्ट बिजनेस था तो हमें ये वाला नहीं करना, हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो अपने रजिस्टर्ड कंपनी है तो मैंने यहाँ पर बना ली सिंपल एक कंपनी, इसको भी डायरेक्ट एक्सेप्ट करवा देंगे। अब चलते हैं अपना जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या क्या लेके आए, उनको डीआर कर देंगे और कैपिटल के रूप में इनको करेंगे, यानी पूंजी के रूप में, यानी पूरे जो ये तीन चार जो अपने वस्तु ये लेके आए उसको हम क्या कर लेंगे, कैपिटल के रूप में मानेंगे। तो पहला आया कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम बना लेंगे, वाउचर्स में चलेंगे और यहाँ पर 1 अप्रैल आ रहा है तो इसमें डेट की कोई नहीं रहेगी, आपको बस फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना है कि अभी अब जो हम फाइनेंशियल चलाने जा रहे हैं वो 22-23 होगा, तो यहाँ पर अल्टर अप टू प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको एक MARCH 24। तो हमने यहाँ पर जो फाइनेंशियल ये लिया है वो 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 लिया है और उसके उसी के अकॉर्डिंग हमने एंट्री करनी है। तो अप्रैल में अपने वाउचर्स में आएंगे, वाउचर्स में एंट्री फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो पहले एंट्री होगी वो रिसीट वाउचर में होगी क्योंकि बिजनेस को ये जो सभी चीज़ें वो प्राप्त हो रही है, प्राप्त होने की कंडीशन में क्या करेंगे हम इसको रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास रिसीव वाउचर होता है उसमें हम इस एंट्री को कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले CR पूछा, तो CR में क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, तो कैपिटल कितने का बनेगा वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर 30,000, 7 लाख, 45,000 और 1.5 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी, तो हमारे पास ये वैल्यू है इनकी कैलकुलेट करने के बाद में हमें वहाँ पे शो कर देना होगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे LTC से बना लेंगे या फिर कीरियड से बना लेंगे, इंटर कर देंगे कीरियड, यहाँ पर बना लेंगे कैपिटल और अंडर ले लेंगे कैपिटल अकाउंट और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट कर लेनी है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो अपनी टेली का सदुपयोग करके। यहाँ पर टेली को सदुपयोग कैसे होगा, तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यानी कि इस जो वैल्यू वाले कॉलम पे एल के साथ सी प्रेस करना होगा, तो जैसे एल के साथ सी प्रेस करेंगे आपका डायरेक्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लगा देना है, जैसे कि पहली वैल्यू है 30,000, फिर क्या कर देना है इसको प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, फिर यहाँ पर सेकेंड वैल्यू आती है वो 7 लाख आती है, तो यहाँ पर 7 लाख ले लेंगे, फिर इसको प्लस कर देना है, फिर आती है आपकी 45,000 प्लस, फिर आती है आपकी 1.5 लाख। एंटर कर देंगे, एंटर करके ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू है वहां वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो कैपिटल है वो 9,25,000 की होगी। अब यहां पर आपको DRK को कर देना, जो पहला था वो क्या था आपका कंप्यूटर था, तो यहां पर आपको क्रिएट कर लेना है LTC से,
अंडराजा का फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्ति के रूप में इसको काम में लेंगे, इसलिए इसको हमने फिक्स एसेट रख दिया और कंट्रोल ए से एसेट करवा दिया। कितने का? 30,000 का। तो यहाँ पर हमें वैल्यू ले लेनी है 30,000। फिर यहाँ पर फिर से आपको लेना है, तो दूसरा आपका है शॉप है, तो आपकी शॉप बिल्डिंग लेनी है, तो यहाँ पर आपको लेनी है बिल्डिंग लेनी है, फिक्स एसेट्स ले लेना है, और ये बिल्डिंग आपकी 7 लाख की है, तो यहाँ पर 7 लाख ले लेंगे। फिर से आगे चलेंगे, फिर आपका आता है फर्नीचर, तो फर्नीचर एंड फिक्सर ले लेंगे, फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। कितने का है? 45,000 रुपये का है, 45,000 का है। फिर आपका आ जाता है केस, तो केस यहाँ पर आपको ले लेना है 1,50,000 का। तो इस प्रकार से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपका पूरा डाटा मेंशन हो गया, केस लेके आया था, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, और यहाँ पर सभी जो टोटल होगा वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। जो वस्तु आ रही है उसको डीआर कर देना, जो हमें मिले, जो बिजनेस को मिली है उसको शेयर कर देंगे, कैपिटल बिजनेस को मिल रही है तो उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन मिस्टर श्री कम ओपन ए बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट कैश 1,30,000। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट कर देना, तो आपको कॉन्ट्रा में चलना है, और यहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट करना है 1,30,000, और यहाँ पर आपको बैंक का बैंक अकाउंट ले लेना है, और इसको एक्सेप्ट करवा देना है, और इंटर करके सब डिटेल इंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, फिर आपका आता है 12,000 रुपये पेड कैश श्री विनायक पेंट्स फॉर क्लीनिंग पेंटिंग शॉप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जो क्लीनिंग एंड पेंटिंग करवाई शॉप की, उसके लिए आपने 12,000 रुपये पेड किया श्री विनायक को कैश में। तो यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट किया, तो पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, जो पेमेंट जिसका पेमेंट किया वो ले लेंगे, जैसे क्लीनिंग एंड पेंट्स का लिया है, पेंटिंग का लिया है, पेंट्स का लिया, जो भी है, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। 12,000 है तो 12,000 ले लेंगे, और यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो कैश में हुआ तो यहाँ पर कैश ले लेंगे। ठीक है, और इंटर कर देंगे, और इंटर कर देंगे, और कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, फिर आता है मिस्टर श्री परचेज स्टेशनरी आइटम ऑफ आरएस 15,000 फ्रॉम राघव बुक्स डिपो। तो यहाँ पर 15,000 की स्टेशनरी राघव बुक डिपो से खरीदी है। अब देखो, इसने ना तो ये बताया कि ये क्रेडिट उधार में खरीदा है, और ना ये बताया कि ये नगद में खरीदा है, तो इस कंडीशन में उसको उधार में लेके चलेंगे, यानी कि इसमें कैश का जिक्र नहीं हुआ। अगर नगद में खरीदा तो ये राघव बुक डिपो के आसपास यहाँ पर कैश देता, लेकिन कैश नहीं दिया है, और ऑन क्रेडिट भी नहीं दिया है। तो ऑन क्रेडिट कैश, अगर ऑन क्रेडिट नहीं दिया तो चलेगा, क्योंकि राघव बुक डिपो का नाम दिया है, लेकिन कैश देना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऑन क्रेडिट मान लेंगे, या फिर ये मानो कि ऑन क्रेडिट ही है, यहाँ पर ले लेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल है, कितने का है? 15,000, और इसको हमें क्या कर देना जनरल में करनी एंट्री, है ना? तो जनरल में एंट्री ऑप्शन में आएगी, क्योंकि इसमें हमने पेमेंट किया ही नहीं, तो यहाँ पर जनरल में आ जाएंगे। स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू राघव ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स। ये हमने सब चीजें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में देखी थी, ये सब चीजें हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में देख ली थी, कि हम जब किसी से परचेज करते हैं, उधार में करते हैं, तो अब हमें क्या लेना होता है, जब सेल्स करते हैं तब क्या लेना होता है, सब चीज़ें हमने देखी थी, उसी का आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका मिस्टर विड्रो 50,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, तो यहाँ पर फिर से कॉन्ट्रा वाउचर आएगा, तो कॉन्ट्रा वाउचर में चला जाएंगे, और यहाँ से हम विड्रॉ कर लेंगे बैंक से 50,000, और यहाँ पर ले लेंगे सब चीज़ें डाल देंगे, और यहाँ पर ले लेंगे कैश। ठीक है, और यहाँ से हमें कैश विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर श्री परचेज गुड्स ऑफ आरएस 50,022। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर एंट्री होगी गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, यानी कि हम इसको परचेजिंग की वैल्यू रखेंगे, यानी वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे कि भाई कितनी वैल्यू का सामान हमने परचेज कर लिया, और कितनी वैल्यू का, यानी कि उनकी वैल्यू ही अपने इस टैली में शो करेंगे, क्या परचेज किया वो नहीं शो करेंगे, क्योंकि हमारी फर्म रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज क्या किया, सेल्स क्या किया, वो अपनी स्टॉक बुक में शो करेंगे, कि स्टॉक बुक में क्या माल आया है
वो वहां पे शो करेंगे, क्या माल गया वो वहां पे ही शो करेंगे, यानी परचेज एंड सेल वहां पे शो करेंगे। जो परचेज बुक है वो यहाँ पर वो वैल्यूज की दर्शाएंगे, यहाँ पर ओनली उस परचेज बुक की वैल्यू शो करेंगे, सेल्स बुक की वैल्यू शो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो एक्चुअल चीजें वो वहां पे शो होगी, यहाँ पर तो ओनली वैल्यू लेके चलेंगे जिससे कि अपना बैलेंस शीट है वो रेडी हो जाए टाइम पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, परचेज किया है 50,000 रुपये का गुड, कैश भी किया तो आपको पेमेंट ऑप्शन में करना है ये एंट्री, तो पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर आपको DR में लेना है परचेज, अंडर आ जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर देना, परचेज का अंडर आ जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लेना है कि आइटम की डिटेल्स हमें रखनी नहीं है, आइटम की डिटेल हम प्रैक्टिस सेट 3 में देखेंगे कि किस प्रकार से डिटेल रखा जाता है, क्योंकि ये तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो इसमें हम ये क्या करता है मैनुअल बिल बना के देता है, तो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 50,000 का सामान है वो खरीदा है, और यहाँ पर इन्होंने पेमेंट कर दिया वो भी कैश में, तो ये एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है विड्रो 500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि खुद के खर्च के लिए इन्होंने यहाँ से विड्रो कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉइंग्स, अंडर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल से लेस करना होता ना हमें, इसलिए कैपिटल आ जाएगा, कितना किया है इन्होंने 500 रुपये पर खुद के खर्च के लिए निकाले हैं, तो ये 500 रुपये केस में निकाले हैं, तो केस यहाँ पर ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा श्री सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ आरएस 7,022, केस में इन्होंने सेल्स किया तो केस रिसीव्ट हुआ है, हमें रिसीट होते हैं जब कोई भी चीज रिसीट होता है तो रिसीट ऑप्शन में करते हैं, तो यहाँ पर हमें रिसीट हुआ है, और हमने किसके क्या किस चीज के बदले रिसीव हुआ था, हमें सेल्स के बदले हुआ, तो यहाँ पर ओनली सेल्स का अकाउंट करेंगे। मैंने कहा था कि सेल्स की डिटेल है वो हम मैनुअल बिल बना के देंगे और साथ ही अपने स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, यानी स्टॉक रजिस्टर है उसमें कितना माल सेल्स हुआ वो हमें वहां पे दर्शाएंगे, और उसकी टोटल वैल्यू, यानी कि मैंने मान लो कि मैंने 5 कंप्यूटर पे सेल्स किए, तो 500 कंप्यूटर की डिटेल वो मैं स्टॉक जो रजिस्टर उसमें शो करूंगा, और 500 कंप्यूटर की डिटेल शो हो गई वहां पे, लेकिन उस 500 कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, कितने रुपए में, जैसे कि मैंने 50,000 रुपये में सेल किया है, तो 50,000 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर शो होगी, ठीक है, डिटेल वहां पे शो होगी और वैल्यू यहाँ पर होगी, जब हमें डिटेल देखनी होगी कि किस किस पार्टी को कितना क्या क्या अमाउंट सेल किया, तो हम स्टॉक रजिस्टर चेक करेंगे और हमें ये देखना कि कितने की सेलिंग हुई है, किस तारीख को कितनी सेलिंग हुई है, किस डेट को कितने की परचेजिंग हुई, वो देखना तो हम अपनी टेली का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेल्स आ जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, और इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे, डिटेल हमें नहीं मेंशन करनी है, कितने का सेलिंग हुआ है, 7,000 का सेलिंग हुआ तो 7,000 यहाँ पर सेल्स कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिला, केस मिल गया, क्या तो यहाँ पर आपको देखो 7,000 का बाई केस हुआ, तो यहाँ पर केस आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर रिसिप्ट में आ जाएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर हम मिस्टर श्री सेल्स गुड्स ऑफ आरएस 15,000 एंड रिसीव ए चेक ऑफ आरस, 15,000 का सेलिंग किया 15,000 का चेक आपको रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर फिर से सेल्स आ जाएगा 15,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है जो मिस्टर श्री है उन्होंने क्या किया, सेल्स ऑफ गुड्स 700 टू माया टूर एजेंसी बाई कैश, कैश में 700 रुपये का माया टूर एजेंसी को पेमेंट, मतलब कि सेल्स किया गुड्स, तो हमें माया जो गुड्स एजेंसी उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो सेलिंग करनी है, तो सेल्स आ जाएगा, और उसके बदले पेमेंट लेना है तो पेमेंट आ जाएगा 700, और यहाँ पर कैश कैश दिया उन्होंने तो कैश आ जाएगा। इस प्रकार से सब चीजें इजीली हो रही है, बहुत ही आसानी से सब चीजें समझ में आएंगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिस्टर श्री सेल्स 15,000 मोदी गर्ल्स स्कूल ऑन क्रेडिट, यानी कि इन्होंने सेलिंग की है मोदी गर्ल्स स्कूल को 15,000 की, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन क्रेडिट की है, ठीक है। अब क्या सेल्स किया वो, तो हमने स्टॉक उनको बिल बना के दे दिया है, कि जैसे कि मानो कि कंप्यूटर सेल किया है उनको, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल किया, तो वो उनको बिल बना के दे दिया है, ठीक है। अब उसकी डिटेल वो यहाँ पर मेंटेन करेंगे, कि जब हमें देखना होगा कि भाई हमारे लेनदार कितने हैं, तो हम फटाफट देख सके अपनी कंप्यूटर की हेल्प से फटाफट देख सकते हैं, यानी कि हमें स्टॉक रजिस्टर को छाना ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो तो चलते हैं अपने जनरल ऑप्शन में, क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट सेल किया, तो यहाँ पर जनरल ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर डेबिट आ जाएगा, क्या डेबिट आ जाएगी आपकी पार्टी, और क्रेडिट आ जाएगा सेल्स, तो गर्ल्स मोदी गर्ल्स जो स्कूल है, स्कूल, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सैंडी डेटर्स, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। कितने का सेलिंग किया है इनको, सेलिंग किया है
15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये का और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। ठीक है, तो मोदी को लिया है, यहाँ पर मैंने चेक कर लेता हूँ, सेल्स लिया ना, वो लिया ना, ठीक है, रिलेटर्स लिया है, और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये डिटेल आपकी हो चुकी है, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, और यहाँ पर ये आपकी आ चुकी है। फिर है रिपेयर पेंटर एंड रिसीव कैश फ्रॉम मोदी गर्ल्स स्कूल्स, तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिसीव कैश किया है, रिसीट ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पर एक नई लेजर बनानी पड़ेगी आपको, रिपेयर एंड मेंटेनिंग बनानी, अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब ये इनडायरेक्ट इनकम क्यों ले रहे हैं, इसका सवाल उठता है, तो हम ये बता देते हैं, क्योंकि ये हमारी बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि हम डायरेक्ट जो बिजनेस है वो इसका नहीं कर रहे, हम तो परचेज सेल्स का बिजनेस कर रहे हैं ना। मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मैं वहाँ पे परचेज सेल्स का कर रहा हूँ, लेकिन हमें रिपेयरिंग का भी काम आता है, तो हम रिपेयरिंग भी करते हैं, तो वो अदर इनकम हो जाएगी। अपना मेन बिजनेस किस पे फोकस कर रहा है, परचेज एंड सेल्स पे फोकस कर रहा है, तो वो तो मेन इनकम हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम हो जाएगी, और ये इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पर हम उससे रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे, हम परचेज सेल्स का रिलेटेड कवर कर रहे हैं, और ये अपनी क्या की इनडायरेक्ट इनकम हो गई कि हमने वहाँ पे ये सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने का मतलब कि पेमेंट आता है, 560 रुपये का, तो यहाँ पर 560 रुपये आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको कर देना है केस, केस यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मिस्टर, जो श्री मिस्टर श्री है, वो साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद मोदी गर्ल्स स्कूल फॉर मेंटेनिंग हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ आरएस 40,000। यानी कि हमने जब इनको रिपेयर, जो प्रिंटर रिपेयर किया है, तो इन्होंने हमारी सर्विस अच्छी लगी, तो सर्विस अच्छी लगी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लिया साल भर का, कि भाई साहब आप आइए, हमारी जो हार्डवेयर जो आपती है वो आपको ही सही करना है, उसके लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसकी वैल्यू इन्होंने डिसाइड किया 40,000 रुपये। और ओके, तो इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओनली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ना तो हमने इनको सर्विस प्रोवाइड की है और ना ही इन्होंने हमें पेमेंट किया है। ठीक है, तो इसलिए इस डील को हम अभी यहीं रखते हैं, इसका पेमेंट जब रिसीव हो जाएगा तब हम इसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने 12 एंट्री किए, 13 हमारा जो वर्चुअल एंट्री है, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो नो नॉर्मल एंट्री है, इस प्रकार से हमने परचेज सेल्स का बिजनेस हमें कर लेना है, और वहाँ पे वो सेम बाकी चीज़ें वो सेम रही है जो अब तक हमने की है, यहाँ पर डे बुक आपको मिलेगी, तो डे बुक में आपके सभी ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर हमारी ट्रायल बैलेंस है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल की डिटेल रहेगी, यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज दायित्व, जो दायित्व पक्ष रहेगा, यहाँ पर अपनी फिक्स एसेट्स रहेगी, यहाँ पर करंट एसेट्स रहेगी, यहाँ पर सेल्स की डिटेल रहेगी, यहाँ पर परचेज की डिटेल रहेगी, परचेज की डिटेल कितना परचेज किया वो यहाँ पर शो होगा, कितना सेल किया था, यानी 50,000 का सेल परचेज किया था, उसमें 37,000 की सेलिंग कर दी है, और 560 रुपये की इनडायरेक्ट इनकम आ चुकी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस आपको ये शो रखी है, तो इस प्रकार से पूरी डिटेल आपको शो रखी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।